बात कर रहे थे कि स्कोर्स में क्या क्या है, जो जानकारी प्राप्त हुई मैं बताना चाहूँगा ब्रीफ कि यहाँ पर पहले विद्यालय लेवल पर गेम्स को करवाया जाता है, गेम्स को करवाने के बाद क्लस्टर लेवल पर उसका सिलेक्शन होता है, क्लस्टर से आगे जाकर के जो है रीजनल में उसका सिलेक्शन करते हैं। खेल है, हारने का गम मत करो, फिर खेलो पर हौसला कम मत करो। खेल कई नियमों द्वारा और तौर तरीकों द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियां होती हैं। खेल में सामान्यतः शारीरिक और मानसिक क्षमता का उपयोग तथा विकास होता है। यदि देखा जाए तो खेलों का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल से ही लोग अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल खेला करते थे। खेलों का मानव जीवन में काफी महत्व है, क्योंकि यह मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक होते हैं। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिताओं द्वारा मनुष्य की अद्भुत शारीरिक क्षमता का उच्च प्रदर्शन देखने को मिलता है। परंतु वर्तमान समय में खेलों परंपराओं का लोप होता जा रहा है। आज की तकनीकी युग में अधिकतर बच्चे और युवा खेल में कोई रुचि नहीं रखते। यही कारण है आजकल के लोग बहुत ही कम उम्र में कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो जा रहे हैं और उसका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। नवोदय विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। आज इस वीडियो में नवोदय विद्यालयों में खेलों से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी को नमस्कार, मैं जेसी थोरा गोल्डन स्टार्स चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज गोल्डन स्टार्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय मंडविया जिला चित्तौड़गढ़ से दोनों पीढ़ी मेल और फीमेल। मैं सर्वप्रथम मैडम और सर से निवेदन करूंगा कि वे अपना अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। नमस्कार आप सभी को, मैं मिसेस कविता जायसवाल जेएनयू चित्तौड़गढ़ एज अ खेल प्रशिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में समिति को मैंने वर्ष 2004 में फरवरी वर्ष 2004 में ज्वाइन किया था और यहाँ सभी खेल विधाओं का प्रशिक्षण सभी विद्यार्थियों को विधिवत तरीके से दिया जाता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और खेल के रूप में भी वो अपना कैरियर चुन करके आगे अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। सर आप प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सभी को, मैं संजय जायसवाल जवाहर नवोदय विद्यालय मंडपिया चित्तौड़गढ़ में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और नवोदय विद्यालय समिति को मैंने जुलाई 2007 में ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू एक दो विद्यालय में के बाद में यहाँ 2016 से जवाहर नवोदय विद्यालय चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूँ और यहाँ हम बच्चों को फिटनेस खासकर बच्चों की फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे इसलिए मैं सुबह और शाम दोनों टाइम शारीरिक शिक्षक की ट्रेनिंग दी जाती है। धन्यवाद सर। मैं मैडम कविता जायसवाल, मैडम आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा श्रोताओं की तरफ से कि नवोदय विद्यालय समिति में बहुत से गेम्स करवाए जाते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स हैं, उसकी पूरी किट प्रदान की जाती है बच्चों को, इनका बहुत अच्छा स्कोप भी है, तो मेरा प्रश्न है कि आप पूरी छात्राओं को स्पोर्ट्स में आप गाइड करती हैं, तो उस वक्त जब बच्चे सब के सब स्पोर्ट्स में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा का और क्या क्या अपन मेन सावधानियों का हम लोग ध्यान रखते हैं, तो प्लीज इसमें श्रोताओं को बताएं कि हम लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं। विद्यालय में लड़कियों को खेल के मैदान में जब बुलाया जाता है तो सबसे पहला है बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। खेल प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें ग्राउंड में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बच्चों को बचाना है ताकि वो रात शरीर को स्वच्छता तो प्रदान
करें, लेकिन उसके दौरान लगने वाली चोटों से भी उन्हें बचाया जा सके। तो उन्हें जो भी इक्विपमेंट दिया जाता है, सुरक्षा प्रद दिया जाता है खेल के मैदान में, और ये ध्यान रखा जाता है कि खेल के मैदान में कोई जीव जंतु ना हो, उनसे भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। खेल के नियमों का भी विधिवत तरीके से पालन किया जाता है ताकि खेल के दौरान बच्चों को कोई दुर्घटना ना हो सके। और हमारे विद्यालय में एक स्टाफ नर्स होती है जो भी हमें ग्राउंड के समय खेल के दौरान अपनी सुविधाएं प्रदान करती है। यदि खेल में कोई बच्चों को फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, खेल के दौरान कोई छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, उनसे उनका उपचार किया जा सके। बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया कि बच्चों की सुरक्षा के ऊपर भी पूरा ध्यान रखते हुए स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो मैं श्रीमान संजय जायसवाल जी से एक प्रश्न आपके लिए है संजय जी, कि जो नवोदय विद्यालय समिति है और सब लोग जानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसमें स्पोर्ट्स के ऊपर, खेलों के ऊपर हमारा क्या स्कोप है, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन करें कि हम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं और क्या हम लोग गेम्स को कैसे तैयारी करवाते हैं या कहां तक जाते हैं बच्चे, नेशनल या कोई और आपका जो भी सिस्टम है नवोदय विद्यालय का, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन करें। ऐसा कि आप सबको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल सिस्टम है, इसमें सभी बच्चे यहाँ 24 घंटे यहीं रहते हैं, तो इसलिए सुबह 5 बजे से बच्चों को उठा के और 5:30 बजे सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से खेल मैदान में उनकी उपस्थिति देना जरूरी है, जहाँ सबसे पहले बच्चों को की अटेंडेंस होती है, उनकी गिनती की जाती है कि सभी बच्चे आ गए हैं हॉस्टल से और सभी बच्चे सुरक्षित हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं, उसके फिर उनको उनके व्यायाम, उनके लिए दौड़ना, व्यायाम, मार्च पास्ट, अलग अलग डे बाई डे जो एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के अंतर्गत उनके उनका जिस दिन उनका योगा होगा उस दिन योगा कराया जाएगा, अगर रनिंग है उस दिन के शेड्यूल में रनिंग और एक्सरसाइज है तो रनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी, इसके अलावा मार्च पास्ट, ड्रिल, लेजियम, जंबल, अलग अलग एक्टिविटीज है जो कि पूरा शेड्यूल, पूरा वीक का शेड्यूल बना हुआ है जो हमारे हेडक्वार्टर से भी हमें निर्देश मिले हुए हैं, जिसके अनुसार बच्चों के, क्योंकि बच्चों का संपूर्ण शारीरिक विकास होना चाहिए, तो वो पूरा जो लगभग 45 मिनट का समय है जो बच्चों के लिए शारीरिक व्यायाम के लिए दिया जाता है, और उसके अलावा क्योंकि बच्चे यहीं रहते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है, तो शाम को गेम्स टाइम में भी 1 घंटा शाम को 5 बजे से 6 बजे तक बच्चों को गेम्स के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले उनकी गिनती करके हेड काउंटिंग करने के बाद में बच्चों के रनिंग और रनिंग के बाद में उनके इंटरेस्ट के गेम जो कि अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं बच्चों को, जब बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार उनको अलग अलग गेम के अंदर उनके फील्ड पे भेजा जाता है और जहाँ वो अपने अपने गेम की प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस के बाद में हम जो जब नवोदय विद्यालय के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने गेम में काफ़ी कुशलता हासिल कर ली होती है, वो अपने गेम में नवोदय विद्यालय का क्लस्टर लेवल के ऊपर प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बढ़िया, ये जो क्लस्टर है ये हर रीजन है और हर रीजन के अंदर 3 या 4 क्लस्टर में स्कूलों को डिवाइड किया गया है, जैसे एक क्लस्टर में लगभग 15 से 20 स्कूल होते हैं और फिर क्लस्टर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है अप्रैल के महीने में, उसके अंदर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर रीजनल लेवल पे टूर्नामेंट, जो कि सभी रीजन के अंदर सभी क्लस्टर का टूर्नामेंट होता है, वो रीजनल लेवल पे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, और रीजनल लेवल के बाद बच्चे जो अच्छे बच्चे जो खेलते हैं वो सिलेक्शन होके नवोदय विद्यालय का नेशनल जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सभी नवोदय विद्यालय के जो 8 रीजन है वो 8 रीजन आपका नेशनल होता है, जिसे नवोदय विद्यालय का नेशनल कहा जाता है, वहाँ बच्चे खेलने जाते हैं और वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो नवोदय विद्यालय समिति की एक टीम बनती है, हर गेम की अलग अलग टीम बनती है और वो SGFI खेलने जाते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर खेलने जाते हैं, जहाँ की हर राज्य की टीम आती है और नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय, इसको भी एक राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ पे सभी राज्यों की टीमें आती हैं और वहाँ SGFI टूर्नामेंट होता है, और उसके बाद भी कुछ बच्चे हैं जो टैलेंटेड है नवोदय विद्यालय से पास आउट हो जाते हैं लेकिन वो अपना खेल में अपना कैरियर भी बनाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने जाते हैं कुछ बच्चे, और नहीं तो उसके अलावा वो खेल में भी अपना कैरियर बनाते हैं, वो शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो अपना कैरियर इसके अंदर बनाते हैं। तो मैं माननीय कविता मैडम और संजय जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर समय दिया, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारी दी स्पोर्ट्स में, और एक बार पुनः मैं निवेदन करूँगा कि गोल्डन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट,
शेयर जरूर। Thank you.